स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्या पता है आपको एटम के बारे में? जूनियर क्लासेस में एटम के बारे में क्या किया है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल तो आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो एटम क्या है, किसने एटम के बारे में हमें बताया था? पिछले चैप्टर में पढ़ा हमने एटम के बारे में। सबसे पहले किसने बताया था? जिसने एक थ्योरी भी दी है, डेल्टन। ठीक है, तो डेल्टन ये बताने से पहले एक साइंटिस्ट था बाय द नेम ऑफ डेमोक्रिटस, जिसने एटम के बारे में स्टडी करी थी। ठीक है, पर थ्योरी जो थी वो किसने दी? डेल्टन। ओके, सो डेमोक्रिटस ने क्या बोला कि अगर हम मैटर लेते हैं उसको छोटे 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 पार्ट्स में कट करते जाएंगे तो अल्टीमेटली मैटर का एक सबसे छोटा पार्ट हमारे को मिल जाएगा और उस सबसे छोटे पार्ट को हम क्या बुलाते हैं, दैट इज नोन एज एटम। एटम का मतलब क्या हुआ? ग्रीक में एटम का मतलब होता है अनकटेबल, व्हिच कैन नॉट बी कट। ठीक है, सो हम बोल रहे हैं इन द 19th सेंचुरी हमें सिर्फ ये पता था कि जो एटम है दैट इज अनकटेबल पार्ट ऑफ एनी मैटर। ठीक है, मैटर के बारे में सबसे पहले हमारे ही एक इंडियन आप कह सकते हो ऋषि ने बताया था, हिज नेम वॉज महर्षि कन्नड़। ओके, तो उसने महर्षि कन्नड़ ने क्या बोला कि जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज परमाणु। ठीक है, और परमाणु क्या है? परमाणु इज एन एटम। ओके, बट लेटर ऑन बहुत सारी स्टडीज होने लग गई तो डेमोक्रिटस ने सबसे पहले हमें बताया, उसके बाद और इसके बारे में रिसर्च होने लगी तो डेल्टन ने अपनी एक थ्योरी दी, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी ने बहुत सारे हमारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। ठीक है, जितने भी हमने लॉज करे पिछले वाले चैप्टर में वो सारे के सारे जो थे वो बहुत इजीली डेल्टन ने एक्सप्लेन कर दिए, पर काफी चीजें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे आइसोटोप्स, हमने ड्रॉबैक्स पढ़े थे ना डेल्टन के, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स और कंबाइनिंग वॉल्यूम, ये रिसर्च लॉ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, ये सारे के सारे डेल्टन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। देन मोर रिसर्चेस टुक प्लेस और अल्टीमेटली बोला कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है पर एटम में आगे सब एटमिक पार्टिकल्स हैं और ये जो सब एटमिक पार्टिकल्स हैं ये कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो वी नीड टू डू तीनों की डिस्कवरी वन बाय वन। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग सब एटमिक पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे किस तरह से डिस्कवर हुए थे। ठीक है, सो योर फर्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी उसमें जो सबसे पहले एक इनोवेशन करी दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ अ सेट ऑफ लॉज जो कि फैराडे ने दिया था। फैराडे एक पहला साइंटिस्ट था जिसने चार्ज के बारे में हमें बताया कि कोई भी मैटर है तो उसके पास चार्ज है। ओके, तो चार्ज जो था उसको कैसे पता चला? उसने ग्लास रॉड रब करी सिल्क के साथ और उस ग्लास रॉड को फिर जब वो पेपर के पास आया द
तो उसमें वो पेपर जो है वो अट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अब वो अट्रैक्ट कब होगा, जब वो ग्लास रॉड चार्ज्ड हो जाएगी। उसी तरह से एबोनाइट रॉड थी, एबोनाइट रॉड को भी सिल्क के साथ उसने टच किया और उसने देखा कि वो भी चार्ज हो गई है, ठीक है। हम भी बच्चे होते थे तो हमें करते थे एग्जाम्पल कि रूलर अपने सर पे करके और फिर कागज को अट्रैक्ट करते थे, तो रूलर क्या हुआ है, रूलर भी चार्ज हो गया। तो फैराडे ने सबसे पहले हमें चार्ज के बारे में बताया और जो प्रोसेस जिसके अकॉर्डिंगली इसने हमें अपने लॉज दिए उसे हम क्या बुलाते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, इट इज द प्रोसेस इन विच डेपोजिशन ऑफ मेटल और substances take place at oppositely charged electrodes, oppositely charged electrodes, ठीक है। So that is what your Faraday told us. तो laws इसके क्या थे? The first law of Faraday was कि अगर हम एक fixed amount of electricity pass करते हैं किसी भी एक compound में, तो हमारे पास fixed amount of substance जो है वो deposit होंगे, ठीक है। So क्या बोला उसने, if a fixed amount of electricity is, if a fixed amount of electricity is passed through a cell, it produces fixed amount of substance, ठीक है। So mathematically हम लोग क्या बोलते हैं कि जो वेट है डिपॉजिट हो रहा है एट द इलेक्ट्रोड, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सेल, ये इसका फर्स्ट लॉ था, ठीक है। सेकेंड लॉ फैराडे का क्या था, सेकेंड लॉ लिखो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड by a fixed quantity of electricity are in the ratio of small integers, are in the ratio of small integers, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग NaCl लेते हैं, ठीक है, सो NaCl की जो डेपोजिशन होगी सोडियम और क्लोरीन डिपॉजिट करेंगे, तो रेशियो जो सोडियम और क्लोरीन की होगी दैट विल बी 1:1/2, कि अगर हम एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी NaCl के थ्रू पास कर रहे हैं तो आपके पास 1 मोल सोडियम का डिपॉजिट होगा और 1/2 मोल क्लोरीन का डिपॉजिट होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग MgCl2 के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो आपका मैग्नीशियम का कितना मोल हो रहा है, 1 मोल, और क्लोरीन का आपका कितना मोल हो रहा है, 2 मोल्स। सो द रेशियो इज गोइंग टू बी 1:2, बट ये तभी ट्रू है अगर आप इलेक्ट्रिसिटी एक फिक्स्ड अमाउंट की पास कर रहे हो। अगर आप वेरी करते रहो इलेक्ट्रिसिटी तो ये सेकेंड रूल आपका जो है वो फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। सो ये आपका फैराडेस इस दिन। अब सबसे पहले जो आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन था दैट वाज डन बाय जे.जे. थॉमसन विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब व्हिच वाज नोन एज योर कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। सो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज डन बाय जे.जे. थॉमसन, जो नेम दिया था इस फैराडे के अकॉर्डिंगली जो इलेक्ट्रिकली
चार्ज पार्टिकल्स को जो नेगेटिवली चार्ज है, द नेम वॉज गिवन बाय, नेम ऑफ द इलेक्ट्रॉन वॉज गिवन बाय स्टोनी. स्टोनी वॉज द साइंटिस्ट, डिस्कवर जे जे थॉम्सन ने करे, पर स्टोनी ने इसको नाम दिया था. ठीक है, अब जे जे थॉम्सन ने जो एक्सपेरिमेंट किया दैट वॉज नोन एज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट. ओके, इसमें इसने एक कैथोड रे ट्यूब ली जिसको हम लोग क्रूक्स ट्यूब भी बुलाते हैं, इसको हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब भी बुलाते हैं. ठीक है, सो इसने एक ट्यूब ली है, इट इज अ ग्लास ट्यूब विच इज सील्ड एट बोथ द एंड्स. और इस ट्यूब को हम क्या बुला रहे हैं, इट इज नोन एज क्रूक्स ट्यूब, इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्चार्ज ट्यूब. राइट, अब यहां पे हमने एक आउटलेट रख लिया है, विच इज अटैच्ड टू द वैक्यूम. इसका पर्पस क्या है कि हम इसमें से गैस को इवैक्यूएट करें या गैस की वॉल्यूम को कम करें. ठीक है, अगर आप गैस की वॉल्यूम को कम कर रहे हो तो प्रेशर काम का क्या हो जाता है, प्रेशर अगर आप गैस इवैक्यूएट इसमें से कर रहे हो, जब आप गैस निकाल रहे हो तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं आपके कम हो जाएंगे, और अगर आपके गैस के पार्टिकल्स कम हो जाएंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाएगा. वॉल्यूम नहीं हम डिक्रीज कर रहे हैं, गैस के पार्टिकल्स हम लोग कम कर रहे हैं. ठीक है, और इसको हम अटैच कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ अ बैटरी. ठीक है, अब ये नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल है, एक कैथोड होगा, दिस इज गोइंग टू बी द कैथोड, और ये आपका पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल है, सो दिस इज गोइंग टू बी एनोड. राइट, अब हमने इसके अंदर कोई भी एक गैस ले ली, लेट्स से हम इसमें गैस ले लेते हैं हाइड्रोजन. हाइड्रोजन गैस, थ्री ऑब्जर्वेशंस वर मेड एट डिफरेंट प्रेशर्स. सबसे पहले at 1 atmospheric pressure it is seen that कोई भी इसमें हलचल नहीं हो रही, so nothing is observed. मतलब कि अगर हम लोग गैस का प्रेशर 1 एटमोस्फेयर रखते हैं तो गैस आपकी नॉन कंडक्टिंग है, इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, सो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमें प्रेशर कम करना पड़ता है, तो हम प्रेशर कम कर देंगे. अब ये प्रेशर हम कैसे कम कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया ये आपका वैक्यूम यहाँ पे अटैच्ड है, तो हम लोग इसकी इसको खोल देते हैं, नॉब को खोल देते हैं, तो ये वैक्यूम इसके अंदर अमाउंट ऑफ गैस को कम कर देगा, उसको हम इवैक्यूएशन बुलाते हैं. ठीक है, इवैक्यूएट करना मतलब किसी चीज को खाली करना, तो हम यहाँ पे उसको खाली कर देते हैं. राइट, सो खाली उतना ही करेंगे कि आपका जो प्रेशर है गैस का वो कितना हो जाए, 10^-2 एटमॉस्फेयर. अब जब प्रेशर आपका 10^-2 एटमॉस्फेयर होता है तो हम देखते हैं कि एक कोई कलर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जो कैथोड से एनोड की तरफ को ट्रैवल हो रहा है. ठीक है, सो इट इज सीन दैट अ ग्रीनिश ब्लू स्ट्रीम ऑफ रेडिएशन इज गोइंग फ्रॉम द कैथोड टू द एनोड. तो इससे हमें क्या पता चला कि कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि कैथोड से एनोड की तरफ को ट्रांसफर हो रहे हैं या ट्रैवल हो रहे हैं. प्रेशर और कम कर देते हैं, एट 10^-4 एटमॉस्फेयर. राइट, 10^-4 एटमॉस्फेयर पे हम क्या देखते हैं कि वो जो ग्रीनिश ब्लू कलर था वो उसका गायब हो जाता है, वो फेंट हो जाता है. वी कैन नॉट सी एनी कलर, बट स्टिल रेडिएशन आपकी ट्रैवल हो रही है फ्रॉम द कैथोड टू द एनोड. और ये जो कलर हम यहाँ पे ले रहे हैं, ग्रीनिश ब्लू रेडिएशन जो हम ले रहे हैं,
वो डिपेंड करता है कि हमने गैस इसके अंदर कौन सी ली है, ठीक है। हाइड्रोजन दिया है तो आपका ग्रीनिश ब्लू स्ट्रीम जो है वो हमें नजर आती है। नाउ 10^-4 एटमॉस्फेयर, जब हमें कलर नहीं नजर आ रहा तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपका इलेक्ट्रॉन्स या आपके रेज जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम द कैथोड टू द एनोड। हाँ, तो हम क्या करते हैं कि एनोड पे एक होल कर देते हैं और पीछे हम एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रख देते हैं। तो क्या होगा कि जो आपकी कैथोड रेज है वो उस होल के थ्रू पास करेगी और जिंक सल्फाइड स्क्रीन में एक इल्यूमिनेशन दे देती है, एक स्पार्कल दे देती है, एक लाइट हमें नजर आती है। तो उससे हमें पता चलता है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स या आपके रेडिएशन है वो कैथोड से एनोड की तरफ को जा रहे हैं इवन एट अ प्रेशर ऑफ 10^-4 एटमॉस्फेयर। और यही आपका जो प्रोसीजर है वो आपका यूज होता है कहाँ पे, इन योर टेलीविजन, ठीक है। टीवी में भी हम लोग एनोड रे को पंचर कर देते हैं, राइट। सो ये तीन ऑब्जर्वेशंस देखने के बाद हमें पता चलता है कि ये जो रेज है जो ट्रैवल हो रही है फ्रॉम द कैथोड टू द एनोड, इनको एक नाम दे दिया गया, क्या? दे वर नोन एज कैथोड रेज। क्यों कैथोड रेज हम इसको बुला रहे हैं? क्योंकि वो कैथोड से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है। सिर्फ बिकॉज वो कैथोड से ओरिजिनेट हो रही है इसलिए हम उसको कैथोड रेज बुलाते हैं। देन लेट्स सी कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या है कैथोड रेज के, वन बाय वन वी विल डिस्कस characteristics of cathode rays. The first characteristic is the cathode rays travel in straight lines. Cathode rays travel in straight lines. ठीक है, इसका कैसे पता चला कि एक सेम हमने सेट के लिए ना राइट क्रूक्स ट्यूब का और उसे हमने बैटरी के साथ अटैच कर दिया, ओके। और जो हमारे कैथोड रेज थे या सेंटर में आप बोलो हम एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट हम रख देते हैं, ठीक है। अब ये जो हमने ऑब्जेक्ट रखा हम देखते हैं कि इसकी शैडो हमें पीछे नजर आ रही है। तो शैडो किसी भी चीज की हमें तभी नजर आएगी अगर रेडिएशंस आपके स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगे, ओके। अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करते और इस ऑब्जेक्ट को हिट नहीं करते तो हमको शैडो नजर नहीं आती है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था इसने हमें बताया कि कैथोड रेज दे ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सेकेंड, द कैथोड रेज हैव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। कैथोड रेज हैव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि अगर कैथोड रेज किसी भी चीज को हिट करेगी तो वो उसको मूव करेगी, मैकेनिकली मूव करेगी, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया, अगेन हमने इस तरह से एक कैथोड रे ले ली, सेम प्रोसीजर, और हमने इसके एक मूविंग पेडल रख दिया या व्हील रख दिया इस तरह से, और इस व्हील को हमने सस्पेंड कर दिया, ठीक है। जैसे ही कैथोड रेज कैथोड से एनोड की तरफ को ट्रैवल करती है हम देखते हैं कि व्हील मूव करने लग जाता है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस था ये बताने के लिए कि जो कैथोड रेज है उनमें क्या है, दे हैव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड दे हैव पार्टिकल नेचर। क्योंकि कोई भी एक चीज दूसरे चीज को तभी हिलाएगी अगर उसका पार्टिकल नेचर होगा, है ना। जैसे आपके विंडमिल्स होते हैं, विंडमिल्स में क्या होता है कि वो विंडमिल हिलता है जब उसको एयर लिफ्ट करती है, और वो एयर अगर वैक्यूम में हम उस विंडमिल को रखेंगे तो हम देखेंगे कि वो मूव नहीं कर रहा,
तो इसका मतलब एयर के अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं जो उसके साथ टकरा रहे हैं, और वो एयर के साथ के पास पार्टिकल्स क्या है, डस्ट पार्टिकल्स। वो जो डस्ट पार्टिकल्स है जब विंडमिल को टच करते हैं तो विंडमिल आपका हिलने लग जाता है, ठीक है। सो कैथोड रेज में भी कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि जैसे ही इसको टच करते हैं वो हिलने लग जाएगा, ठीक है। सो ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस था टू शो दैट योर कैथोड रेज दे हैव पार्टिकल नेचर, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रे, हम बोलते हैं कि कैथोड रेज जो आपकी है दे कीप ऑन ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, जैसे हमने फर्स्ट वाले में बोला, राइट, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते रहेंगे तब तक जब तक हम कोई भी उसमें फील्ड ना लगाएं, ना इलेक्ट्रिक ना मैग्नेटिक। इफ नो फील्ड इज केप्ट और द कैथोड रेज आर नॉट सब्जेक्टेड टू एनी काइंड ऑफ फील्ड, दे विल कीप ऑन ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। पर जैसे ही हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं ऐसे, राइट, अब हमने क्या करा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। सो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो आपके कैथोड रेज हैं दे आर रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। सो इससे भी एक बड़ा क्लियर एविडेंस हमें मिलता है कि जो कैथोड रेज है दे आर नेगेटिवली चार्ज, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव की तरफ को अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो हमारे को दो एविडेंसेस मिल गए, मैकेनिकल प्रॉपर्टी से हमें क्या एविडेंस मिला, दे हैव पार्टिकल, हां दे हैव पार्टिकल नेचर, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें क्या मिला, दे हैव नेगेटिव चार्ज, राइट। उसके बाद अगर हम लोग किसी को सब्जेक्ट करें टूवर्ड्स और इन योर मैग्नेटिक फील्ड, फिर देखते हैं हमारे पास क्या होता है, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अब अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देखें तो सिमिलरली जैसे वो आपका पॉजिटिव चार्ज की तरफ को गया है तो ये भी आपका डिफ्लेक्ट होना चाहिए, व्हिच कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ पॉजिटिव चार्ज। तो मैग्नेटिक फील्ड में आपका नॉर्थ पोल जो होता है एक मैग्नेट के अंदर, नॉर्थ एंड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो हम देखते हैं कि अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई है तो क्या होगा, ठीक है, दिस इज द साउथ पोल, दिस इज द नॉर्थ पोल, तो आपकी जो कैथोड रेज है दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल, दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कैथोड रेज जो है, they have heating properties भी particle nature के लिए एक बहुत strong evidence है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी particles एक दूसरे के साथ rub करते हैं या friction होती है तो वो heat produce करते हैं। so हम heating properties किस तरह से इसका evidence show करते हैं कि हम एक aluminium का foil रख देंगे उसके passage में और वो aluminium का जो foil है हम देखते हैं कि वो heat up हो गया, इसका मतलब जो पार्टिकल नेचर इसकी है वो आपस में टकरा रहे
जिसकी वजह से वो क्या करती है, या पार्टिकल नेचर जो है, जो उसके पार्टिकल्स हैं वो एल्यूमिनियम फॉइल के साथ टकराते हैं जिसकी वजह से वो हीट प्रोड्यूस करती है. ठीक है, सो दिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैथोड रेज. ओके, देन योर कैथोड रेज ऑल्सो हैव penetrating, they also have penetrating properties. Penetrating properties का मतलब क्या हुआ, वही कि अगर वो किसी भी aluminium foil को या किसी metal foil को hit करता है तो उसके through निकल जाता है. ठीक है, that is your penetration, to hit and go through that foil. तो your this also has penetrative properties. तो ये भी इसका एक पार्टिकल नेचर के लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि आपने एक बॉल लिया है, अगर आप बॉल को हिट करते हो थ्रू अ पेपर, कोई पेपर पकड़ के खड़ा है दूसरी साइड, आप बॉल को हिट करोगे उस पेपर में तो वो बॉल क्या करेगा, उस पेपर में होल कर देगा और पास थ्रू हो जाएगा. दैट इज बिकॉज वो जो आपका बॉल है दैट इज अ पार्टिकल नेचर और फोर्स के साथ वो उसको हिट कर रहा है. ठीक है, सो दीज आर द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर कैथोड रेज. कैथोड रेज से हमें पता चला कि कुछ एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो कि आपके एटम में प्रेजेंट रहता है, और इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को एज वी जस्ट सेड कि स्टोनी ने उसको एक नाम दे दिया विच वॉज इलेक्ट्रॉन. नाउ इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली जब जो फर्स्ट सब एटमिक पार्टिकल है इट इज अ पार्ट ऑफ मैटर. ठीक है, और हम बोलते हैं कि मैटर में मैटर इज एनीथिंग विच हैज वेट एंड ऑक्यूपाइड स्पेस. हाँ, yeah, has mass and occupies space, that is what your matter is. तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास भी मास होना चाहिए. ओके, और हम जो ये इतनी सारी यहाँ पे हमने इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करी इससे हमें पता चल रहा है कि उसके पास चार्ज भी है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ केम वॉज या नेक्स्ट चैलेंज जो भी आया दैट वॉज टू कैलकुलेट द चार्ज एंड मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. तो उसमें भी जे जे थॉमसन ने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसमें ईएम रेशियो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मेजर करी. सो लेट्स सी क्या है वो आपका एक्सपेरिमेंट. डिटर्मिनेशन ऑफ सबसे पहले हम चार्ज टू मास रेशियो करते हैं. डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो, राइट. चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप उसने क्या किया, उसने दो मेटल के डिस्क लिए, एक ये हो गया और एक और मेटल का डिस्क ले लिया, एक ये हो गया. ठीक है, जो आपका छोटा मेटल का डिस्क था दैट वाज द कैथोड, और जो बड़ा मेटल का डिस्क था दैट इज द एनोड. अब कैथोड और एनोड को हमको ज्वाइन करना पड़ेगा थ्रू अ बैटरी. ठीक है, दिस इज हाउ योर एनोड एंड कैथोड दे आर कनेक्टेड. सो व्हाट आर वी सेइंग, दिस इज योर कैथोड एंड दिस इज योर एनोड. ठीक है, रेज आपकी कहां से निकलेगी, इसको हमको एक सील्ड ट्यूब के अंदर भी रखना है. इस तरह से हम इसे एक सील्ड ट्यूब के अंदर रखते हैं और दिस इज हाउ योर एपरेटस. ठीक है, और इसमें जो आपकी कैथोड रेज निकल रही है उसको हम सब्जेक्ट करेंगे टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली.
दोनों जो आपकी फील्ड्स हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है. लेट्स से दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल. पॉजिटिव टर्मिनल हमने बोला नॉर्थ पोल, नेगेटिव टर्मिनल इज द साउथ पोल, ठीक है. अब जब ये रेज यहां से निकलती है एनोड तक जाएंगी, ये वाली जो आपकी रेज है दे विल ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन टिल दे रीच द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड. जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स लगाते हैं तो हमारे पास तीन तरह से डिफ्लेक्शन हो जाती है. स्ट्रेट लाइन एक ए, एक बी एंड सी और एक सी, ठीक है. अब ये अलग अलग तरह के डिफ्लेक्शन हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं. जब हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो डिफ्लेक्शन है ऑफ द योर रेज दैट इज टूवर्ड्स ए, है ना, क्यू टूवर्ड्स ए, बिकॉज ए आपका पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ आपका इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रैवल होंगे, ठीक है. अगर हम लोग सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तब आपका बी की तरफ जाएगा, ठीक है. अब हम दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं और दोनों को हम इस तरह से क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को सच दैट आपका जो डिफ्लेक्शन है दैट इज जीरो, ओके. और जो कैथोड रेज है वो उसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है जिस डायरेक्शन में वो ऑलरेडी ट्रैवल कर रही थी जब तक वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को सब्जेक्ट नहीं हुई थी. सो यहाँ पे सी पॉइंट पे हमने क्या किया है, हमने तो क्या किया है, जेजे थॉम्सन ने किया था कि बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, बैलेंसिंग ऑफ योर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इज डन इन सच अ मैनर सो दैट योर कैथोड रेज ओवर हियर दे आर ट्रैवलिंग स्ट्रेट, ठीक है. अब ये जो डिफ्लेक्शन आपकी हो रही है ए और बी की तरफ, ये आपकी डिफ्लेक्शन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. डिफ्लेक्शन डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर्स, ठीक है. फर्स्ट इट विल डिपेंड अपॉन द चार्ज ऑन द कैथोड रे, ठीक है. दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ योर नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल्स. अब कैथोड रे हम लोग कोई भी गैस ले सकते हैं, यही हमने बोला था ना. तो अब गैस, जिस गैस के ऊपर ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसमें डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगी, राइट. तो फिर ये मैग्नेटिक में बी की तरफ मिल जाएगा एक तरफ, क्योंकि हमने ये पढ़ा नहीं था यहाँ पे थर्ड जो ये इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड था इसमें दोनों पोल की तरफ जाएगा ये जो पॉजिटिव चार्ज है, तो उसमें फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं ना लगा रहे, उसमें हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे. इस मैग्नेटिक फील्ड पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इफेक्ट है. हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं है ये सिर्फ अगर मैग्नेटिक फील्ड, अगर सिर्फ हम मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं तो तब आपकी जो आपकी डिफ्लेक्शन होगी दैट विल ऑपोजिट, दैट विल बी ऑपोजिट टू योर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. द डिफ्लेक्शन इज गोइंग टू बी ऑपोजिट टू योर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर हो गया. अब डिफ्लेक्शन आपका जो है वो डिपेंड करता है तीन फैक्टर्स के ऊपर. फर्स्ट दैट इज नोन एज योर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है. अब बोल रहे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतनी ही डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगी. मोर द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल्स मोर इज गोइंग टू बी द डिफ्लेक्शन. सो आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है दैट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन, ठीक है. सेकेंडली डिपेंड करता है मास ऑफ द पार्टिकल्स, मास ऑफ द पार्टिकल्स. जितना कम मास
आपका है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन. ठीक है. एंड थर्ड इज योर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. जितना ज्यादा हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं उतनी ही डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी. सो योर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन. ठीक है, क्लियर हो गया. तो आपकी डिफ्लेक्शन जो है वो तीन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है. फर्स्ट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, सेकेंड इज द मास ऑफ द पार्टिकल, एंड थर्ड दैट इज गोइंग टू बी द वोल्टेज और स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. जब इसको डिटर्मिनेशन हमको जब इसमें जब हमने या जे.जे. थॉमसन ने जब इसमें कैलकुलेशंस करी बाय बैलेंसिंग द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो उसने एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी व्हिच वाज योर चार्ज टू मास रेशियो. एंड द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट वाज मेजर्ड एज 1.78 इनटू 10 रेज टू पावर 11 कूलम्स पर केजी. 1.75 into 10 raised to power 11 coulombs per kg. ठीक है, क्लियर हो गया. क्या क्या किया था जे.जे. थॉमसन ने, उसे एक कैथोड लिया, एक एनोड लिया, उनको स्ट्रेट लाइन में रखा, बैटरी के साथ कनेक्ट किया, जो कैथोड रे में से रेडिएशन निकल रही है उसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को क्या करा है, सब्जेक्ट करा है और बैलेंस करा है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इन सच अ मैनर दैट आपकी जो कैथोड रेज है वो कहां रहे, दे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करें. जब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है और बैलेंस करके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हमने ईएम रेशियोज की कैलकुलेट करी और वो जो आपकी ईएम रेशियो थी दैट केम टू 1.75 इनटू 10 रेज टू पावर 11 कूलम्स पर केजी. ठीक है, अब ईएम रेशियो तो हमें पता चल गई, पर ईएम रेशियो से ना तो हमें चार्ज पता चल रहा है और ना ही हमें मास पता चल रहा है, एक रेशियो सिर्फ पता चली. तो इसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करा एक और एक्सपेरिमेंट में टू कैलकुलेट द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. सो लेट्स सी क्या था वो एक्सपेरिमेंट. दैट वॉज योर मुलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. ईएम रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिए. ठीक है, अब सेकेंड हमने क्या कैलकुलेट करना है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन. द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन दैट वॉज डिस्कवर्ड बाय मुलिकन्स ऑयल ड्रॉप मुलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड. ठीक है, अब मुलिकन ने क्या किया, इसने एक क्यूबॉइड के फॉर्म में एक कंपार्टमेंट ले लिया. ठीक है, जिसको इसने डिवाइड कर दिया इनटू फोर चैम्बर्स बाय पुटिंग सर्टन मेटल प्लेट्स. वॉइड ले गया और उसको फिर उसने क्या करा है, एक कंपार्टमेंट उसने ये बना दिया. ठीक है, उसी तरह से एक और कंपार्टमेंट बना दिया. तो उसने इसको चार चैम्बर्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला आपको ये चैम्बर नजर आ रहा है, इस सबसे ऊपर वाले चैम्बर में एक पंप के साथ ऑयल के ड्रॉपलेट्स को
स्प्रे कर देता है, ठीक है, ऑयल के ड्रॉपलेट्स को उसने स्प्रे कर दिया। अब ये जो आपके पास दो फील्ड्स या दो ये प्लेट्स इसने रखी है, ये दोनों प्लेट्स चार्ज है, ये वाली प्लेट जो आपकी है दिस हैज अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस प्लेट हैज अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ऊपर से क्या होगा, यहां पे एक अपर्चर डाल दिया, उस अपर्चर से यहां से आपके ऑयल ड्रॉपलेट्स जो है वो इधर ट्रैवल होंगे, ठीक है। अब जब वो ऑयल ड्रॉपलेट्स आपके यहां ट्रैवल हो रहे हैं तो हम सिर्फ एक ऑयल ड्रॉपलेट को मॉनिटर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप, ठीक है। अब इस ऑयल ड्रॉपलेट में क्या हो रहा है, ये ऑयल ड्रॉपलेट आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को अट्रैक्ट होगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, और यहां से ये वापस ट्रैवल होगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज अप्लाइड, ओके। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा अप्लाई करोगे तो आपका ऑयल ड्रॉपलेट ऊपर की तरफ को जाएगा बिकॉज इट इज नेगेटिवली चार्ज, ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज रखा है तो ये आपका जो पार्टिकल है वो अट्रैक्ट होगा टूवर्ड्स द पॉजिटिव, ठीक है। और अगर हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम रखते हैं तो ड्यू टू ग्रेविटी आपका ऑयल ड्रॉपलेट जो है वो नीचे की तरफ को आएगा। तो हमको अब क्या करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको इस तरह से बैलेंस करना है कि आपका जो ये वाला ड्रॉपलेट है ये ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, ये एक ही जगह पे सस्पेंड हो जाए। दिस इज वॉट मोलिकन डिड, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से बैलेंस करा कि आपका जो चार्ज है इसके ऊपर बैलेंस करके और ये आपका सस्पेंड हो गया है, ऑयल ड्रॉपलेट दैट हैज बीन सस्पेंडेड, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर चार्ज देने के लिए हम इस वाले कंपार्टमेंट में एक्सरेज डालते हैं। ये एक्सरेज क्या करेंगे, इसको पार्टिकल को ये चार्ज करते हैं, ठीक है। बाय बैलेंसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इन सच अ मैनर कि आपका ड्रॉपलेट सेंटर में रह जाए, द चार्ज वॉज कैलकुलेटेड एंड इट वॉज सीन दैट द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू माइनस 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम्स, ठीक है। सो ये आपका जो चार्ज था That was 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulombs इस वाले experiment से measure कर लिया। अब हमारे पास दो quantities आ गई, एक charge आ गया दूसरा हमारे पास EM ratio आ गई, ठीक है। अब इससे हम mass calculate कर सकते हैं, तो mass आपका क्या आ जाएगा, E upon E by M ठीक है। सो व्हाट इज योर ई नाउ, 1.6 माइनस 14 एंड व्हाट इज योर ईएम, 10 रेज टू पावर 11, ठीक है। सो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो जो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है दैट इज 9.11 into 10 raised to power minus 31 kgs. अब आपने ये सब चीजें सारे numeric values याद रखने हैं, चार्ज EM, हाँ तो इलेक्ट्रॉन तो माइनस ही होगा ना, कहाँ पे 1.7 वो दैट इज नेगेटिव, जो उसके ऊपर चार्ज है वो इंटीजर की तरह हम इसमें यूज नहीं कर रहे हैं, it has no mathematical significance. Minus over here only means that the electrons they are negatively charged, so it has one unit negative charge and that one unit negative charge that is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulombs, ठीक है ना। सो उसी तरह से फिर आपने जो थर्ड रखना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दैट इज योर 9.11 into 10 raised to power minus 31 kg. चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास
जो हमने जेजे थॉमसन वाले मेथड से करा है कैलकुलेट, चार्ज टू मास रेशियो, हमने दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स अप्लाई करी ना, तो उसके बेसिस पे हमने ईएम रेशियो कैलकुलेट करा, दैट इज योर चार्ज टू मास रेशियो 1.75 × 10⁻¹ 11 कूलम्स पर केजी।